गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। ये संस्कृत का सेट है जो कि आपके जो JSSC CGL एग्जाम है उसके लिए 40 सेट का क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन सारा कवर किया गया है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लिए जाते हैं जिस जो आपके एटलीस्ट 40 में से 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक में विभक्ति होती है। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, अपादान कारक में विभक्ति होती है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो आपने कारक पढ़ा होगा, कारक में के भेद होते हैं, उसके जितने भी भेद होते हैं उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अगर आपको याद होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। तो अपादान से में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पंचमी। जहाँ अलगाव या वियोग का अर्थ, मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होता है, दैट मीन्स कि जो सेपरेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है और उसकी जो विभक्ति होती है वो कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। इसका एक सूत्र भी होता है अपादाने पंचमी, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पर्णम पतति, वृक्षात पर्णम पतति। यहाँ वृक्षात में आप देखेंगे जैसे आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो वृक्षात, वृक्षात जैसे आप इसका शब्द रूप पढ़ते हैं तो बालका, बालको, बालकम, बालक, बालकेन, इस तरीके से पंचमी में आएगा तो बालकात होगा, उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, वृक्षात। तो वृक्षात में क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृहत त्रयी के अंतर्गत नहीं है। कल भी ये क्वेश्चन आपने किया था, वृहत त्रयी के अंतर्गत नहीं है। इसमें आपको बताना है, जैसे कल आपने किया था कि तीन खंड काव्य, तीन महाकाव्य दे दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कौन इसके अंदर नहीं आता है। तो इसके अंदर कौन नहीं आता है, ऑप्शंस इसके हैं, ए किराता अर्जुनियम, बी शिशुपाल वधम, सी कुमार संभवम और डी नैषेधीय चरितम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका वृहत त्रयी में नहीं आता है। तो वृहत त्रयी का जो परंपरा है और लघु त्रयी परंपरा में कौन कौन सा आता है, किराता अर्जुनियम आएगा, शिशुपाल वध आएगा और नैषेधीय चरित जो श्री हर्ष द्वारा रचित है वो आएगा। तो इसके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमार संभवम, ठीक है। कुमार संभवम किसमें आ जाता है, लघु त्रयी परंपरा में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरियत, चोरियती, चोरियती में धातु है, आपको इसमें धातु रूप बताना है। जैसा कि आपके सिलेबस में दे दिया गया है, कुछ शब्द रूप दे दिए गए हैं, कुछ धातु रूप दे दिए गए, तो उसमें आपको जो मूल धातु है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप आगे के चैप्टर में जैसे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं तो प्रत्यय में भी आपको कभी कभी प्रत्यय देकर, जैसे खादितुम या गंतुम देकर पूछा जाएगा कि खादितुम में मूल क्रिया या मूल धातु क्या है, क्रिया को ही बोलेंगे हम लोग, तो मूल धातु का पता होना आप लोग को जरूरी है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, चोरियती धातु में, चोरियती में धातु है, धातु कौन सा है आपको वो बताना है। तो इसका ऑप्शन है, पहला है ए चोर, बी चोर, सी चोर है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा धातु हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुर धातु। जैसे कि आप इसका देखेंगे सब धातु रूप जो चलेगा चुराता हो जाएगा, शब्द चोरियती हो जाएगा और मूल धातु क्या हो जाएगा, चुर हो जाएगा। तो चुर धातु में आप एक वचन लट लकार प्रथम पुरुष में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चोरियती शब्द, ठीक है। तो आप कोई भी धातु रूप पढ़िए, उसका मूल शब्द पढ़िए, उसके जितने लकार दिए गए हैं, 10 लकार हैं, लेकिन आपको कितने लकार पढ़ने हैं, आपको 5 ही लकार पढ़ना है, तो आप वो 5 लकार बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप ऐसा चीज़ है जो आपको रटाया नहीं जा सकता, वो आपको खुद ही करना है। तो आप उसको जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या है कि आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है, जैसे कि अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर लेंगे। मान लीजिए आपको कोई गद्यांश में वृक्षात अंडरलाइन करके पूछा गया है कि निम्नांकित जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो जब तक आपको शब्द रूप याद नहीं रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे।
तो इसके लिए आपको शब्द रूप जितना हो सके आप रिविजन कीजिए, धातु रूप जितना होता है। शब्द रूप में क्या है कि आपको सात विभक्ति तक करना है, धातु रूप में आपको पांचों लकार पढ़ना है, दस लकार पढ़ना भी नहीं है। तो आप उस चीज को जितना लिखिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे कि कुछ शब्द रूप आपको अस्मदी उस्मद दिया है, तत् दिया है, तो वो सबका तीनों लिंग में पढ़ना है आपको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंग में आप पढ़ेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? आपको नाटक का नाम दे दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस नाटक का अंगिरस करुण रस है। रस कितने होते हैं सभी को पता होगा, टोटल रस कितने होते हैं? नौ होते हैं। कहीं कहीं पे दो एक्स्ट्रा भी दिया गया है, जैसे कि आप अगर लूसेंट की बुक पढ़ते हैं तो उसमें दो और ऐड कर देगा। तो इस तरीके से भ्रमित नहीं होना है, जो करेक्ट इसका टोटल कितने रस माने जाते हैं, नौ रस ही माने जाते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नाटक का अंगिरस करुण रस है। ऑप्शन ए महावीर चरितम, बी उत्तर रामचरितम, सी वेणी संघारम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरित में क्या है, करुण रस है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है किनके द्वारा लिखा गया है, भवभूति द्वारा लिखा गया है। भवभूति ने इस ग्रंथ में करुण रस की व्यंजना की है। कौन से रस की व्यंजना हुई है, करुण रस की। करुण रस एक प्रकार का अंगिरस करुण रस है। उत्तर रामचरित में राम के चरित चित्रण करते समय उनकी उदारता दयालुता करुणा का ध्यान में खास तौर पर रखा गया। इसमें जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर करुण रस का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः नाट्य शास्त्र है, नाटक में संवेदनशीलता का भाव करुण रस में साफ साफ झलकता है। जैसे कि आप अभिज्ञान शकुंतलम या कालिदास का जितना भी रचना पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, श्रृंगार रस दिखेगा। नाटक में जहाँ संवेदनशीलता है, मतलब आप इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं तो आंसू तो आएगा ही, तो आंसू किससे रिलेटेड होगा, करुण रस से रिलेटेड होगा। अगर आप रस को डिटेल में पढ़ेंगे तो किस रस का कौन सा कलर होता है या उसके कौन भगवान है, आपको इस तरीके से रस पढ़ेंगे आप तो कि कौन से भगवान किस रस से रिलेटेड है या उसका कौन सा कलर, जो इमेजिनेशन हम लोग करेंगे तो किस रस में किस कलर में करेंगे वो भी पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, तो भाव करुण रस में साफ साफ झलकता है। इस नाटक में कई अंक में विभाजित है और ज़्यादातर अंक में क्या होता है, जो करुण रस है उसको ही देखा गया है। इसमें खासकर तीसरा अंक अंगी रस करुण रस से प्रारंभ है, मतलब ये प्रारंभ ही होता है करुण रस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसा षोडश वर्ष देशीय कंभुकुंठ आयत ललाट सहस्त्र सुबाहु विशाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। आपको ऊपर एक लाइन दे दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि ये जो विशेषण है वैसा षोडश वर्ष देशीय कंभुकंठ आयल ललाट सुबाहु वर्ष विशाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो विशेषण का यूज हुआ है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है ए रघुवीर सिंह, बी शिवाजी, सी गौर सिंह और डी श्याम सिंह। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी गौर सिंह। गौर सिंह कौन है, इसमें जो अकॉर्डिंग टू जो लाइन है वो अभी 16 साल का है और इसमें उसका कंभु जो है शंख समान कंठ है, जो कंठ है किसके समान है, जब आप शंख बजाते हैं तो कैसा ध्वनि निकलता, उसके समान है। आयत आकार का ललाट है, उसका जो मस्तक है फॉरहेड है उसका दिया गया है, फॉरहेड कैसा आयत आकार का। आयत किसको हम लोग बोलते हैं, आयताकार पढ़ेंगे आप, क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है उसको बोलते हैं। बड़ी आंखों वाला है, आंख क्या है आप इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है आयत ललाटा विशाल लोचनन, विशाल लोचन आंख बड़ी बड़ी है। तो ये सारा किसके बारे में कहा गया है, गौर सिंह जो है राजकुमार हैं और वो अभी 16 साल के हैं। इस प्रकार गौर सिंह की व्यक्तित्व का शरीर सौष्ठव की विशेषता मिलती है इसमें, इनके चरित्र चित्रण किए जा रहे हैं कि वो कैसा है, उनका कंठ कैसा है, वो बोलते कैसा है, उनकी आँख कैसी है,
ललाट कैसा है या भुजा कैसा है, तो किसी के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बारे में। तो इस तरीके का लाइन इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। कोई भी श्लोक देकर या कहीं का पद्य या गद्य उठाकर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके बारे में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपका JSE CGL का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो मॉडल सेट है 15 सेट, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप सेट देखेंगे। जो भी झारखंड SSC CGL दे रहे हैं उनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आपको 150 में आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ आपका झारखंड करंट भी चल रहा है, जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो भी चल रहा है, आप उसको भी रिविज़न कर सकते हैं। जितना भी आप वीडियोज़ को कंटिन्यू देखेंगे उतना आपका रिविज़न जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर आएगा तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने दिया है आपको वही मिलेगा। अगर आप रिविज़न नहीं कर पाते, पूरा बुक नहीं पढ़ पाते, तो 30-40 मिनट्स का वीडियो देखिए। वीडियो देखने से आपका करंट अफेयर सेक्शन स्ट्रांग होगा, साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं आप। और जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उनके लिए डेली 40 क्वेश्चंस आ ही रहा है, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और जिन लोगों का नहीं है, मान लीजिए किसी का खोटा है, संथाली है, तो आप जिन संस्कृत लैंग्वेज वालों को जानते हैं उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा भर्तृहरि का नहीं है। पहला ऑप्शन है ए वैराग्य शतकम, बी नीति शतकम, सी पंचतंत्रम और डी वाक्य पदियम। तो इनमें से कौन सा भर्तृहरि का नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंचतंत्र नहीं है। पंचतंत्र किनके द्वारा रचित है, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। बाकी जो है वैराग्य शतम, ये साधु संतों की वैराग्य प्रवृत्ति मूलक 100 दोहों वाला ग्रंथ है, इसमें 100 दोहा दिया हुआ है। नीति शतक में नैतिक आचरण, आपने अगर 6 to 10 तक या 9 तक संस्कृत पढ़ा है तो नीति शतक से बहुत श्लोक पढ़े होंगे, तो नीति शतक में जो डेली लाइफ है उसके बारे में दिया रहता है। वाक्य पदियम क्या है, यह व्याकरण संबद्ध ग्रंथ है जिसमें शब्द और पद है। तो इसमें से कौन सा भर्तृहरि द्वारा रचित नहीं है, पंचतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंधित नहीं है। अब इसमें आपको 4 सूक्ति दे दी गई, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मेघदूत से संबंधित नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आपको इम्पॉर्टेंट श्लोक या जो कुछ गद्यांश जो इम्पॉर्टेंट है या किसी के बारे में कोई उक्ति कही गई है वो याद रहेगा, क्योंकि आपको जितने चैप्टर में जो जो साहित्य में जो जो दे दिया गया है, जैसे शिवराज उदयम है, शिशुपाल वधम है, या फिर उत्तर रामचरित है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सारे का आपको जिस्ट जैसे समरी तो पता होना चाहिए, और साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब इम्पॉर्टेंट पद्यांश से या कहीं कोई इम्पॉर्टेंट श्लोक आया है, तो वो सारे श्लोक आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद होना चाहिए, या कुछ ऐसा क्लू होता है जिससे आप श्लोक को पकड़ पाएँ, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको उस चीज़ को याद रखें, तो आप बता सकते हैं कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो आपका पहला लाइन है ऑप्शन ए, कर्माता ही प्रकृतिं कृपणा चेतना चेतनेषु। दूसरा है ऑप्शन बी, अर्थकृतोपि मन सिजे रतिम प्रार्थना कुरुते। ऑप्शन सी, याचा मोघा वरमधि गुणे नाम धमो लब्ध कामा। ऑप्शन डी, श्रीनाम मदम प्रयण वचनम विबमो ही प्रियेषु। इसमें आपको बताना है कि ये चारों में से मेघदूत का सूक्ति कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकृतोर्थी मन सिजे रति भय प्रार्थना कुरुते, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको ये लाइन याद करना पड़ेगा कि ये मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से, मेघदूत से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है कौन सा संबंधित नहीं है। तो बाकी जो लाइन है, कर्माता ही प्रकृति, ये वाला भी है मेघदूत से। उसके बाद जो याचा मोघा है ये भी मेघदूत से है। श्रीमान अदम प्रयाण वचनम ये भी मेघदूत से, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो अर्थ अकृत तौर थे अपि मन सीजे जो है ये मेघदूत से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कर्मधारय समास किस समास का एक ही भेद है? आपको कर्मधारय समास के बारे में पूछा है कि किस समास का वो एक ही भेद कहलाता है। इसमें ऑप्शन है ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। जो कर्मधारय समास हम लोग पढ़ते हैं ये किसका भेद है? तत्पुरुष समास का ही भेद है। समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। मतलब समान अधिकरण, जो अधिकरण जिनका समान होता है। अर्थात यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद का आधार एक होता है, समानाधिकरण मतलब समान आधार वाला, उत्तर पद और पूर्व पद का आधार एक होता है, तो वहाँ तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए किसको बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं नीलोत्पल, तो नीलोत्पल क्या हुआ? उत्पल मतलब कमल और नील ब्लू कलर को बोलेंगे तो नीला कमल। तो नील कमल में आप देखिएगा नीला क्या होगा? विशेषण। कमल क्या हो जाएगा? विशेष। तो इस तत्पुरुष समास में नीलापन और कमल का आधार एक ही है। मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमल, वैसे कमल के बारे में बात कर रहे हैं जो नीला है। और किसी, नीला तो बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर किसके बारे में बात करें? कमल के बारे में बात करें। तो दोनों का आधार एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ना तादृश आकृति विशेषा गुणो विरोधिनी भवंती, प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहे गए हैं? ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट हो रहे हैं कि आपको लाइन दे दिया गया और पूछा गया है कि ये किसके लिए कहा गया है। ए दुष्यंत, बी शकुंतला, सी महर्षि कर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। ना तादृश आकृति विशेषा गुणो विरोधिनी भवंती, प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके लिए कहा गया है? सबसे पहले ये लाइन कहाँ से लिया गया है ये आपको देखना है, तभी तो आप बताएंगे ना कि किसके लिए कहा गया। तो प्रियंवदा द्वारा, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था इससे पता चल रहा है कि ये अभिज्ञान शकुंतलम का लाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत। प्रियंवदा ने दुष्यंत को कहा है। क्या कहा है? शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत है, वह इस ग्रंथ में शेर के मुख में दांत गिन रहा है। जो भरत है वो क्या करता है? जब छोटे होते हैं भरत, तो वो शेर को पकड़ के, जो शेर सावक होता है छोटा सा शेर का बच्चा, उसको पकड़ के उसका मुंह खोल के उसका जो कितना दांत है वो गिन रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसा विरोचित कारनामों के कारण भरत वाले इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये बात प्रियंवदा उक्त वाक्य के लिए किसके लिए कहा गया? दुष्यंत के लिए कहा गया। और जो प्रियंवदा बता रही है किसके बारे में, कहानी बता रही है दुष्यंत को भरत के बारे में कि भरत क्या क्या करता है। दुष्यंत के संबंध में उक्त कहे गए वाक्य का अर्थ है इस प्रकार की सुरुचिपूर्ण सुंदर आकृतियां विशेष गुणों विहीन नहीं होती, जो इस तरह का काम करता है। जैसे छोटे में ही जो बोला जाता है कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात, जो आगे जाके इन फ्यूचर में कोई ब्राइट फ्यूचर जिनका होता है उनको वो बचपन में ही पता चल जाता है। तो ऐसे बात प्रियंवदा किन को बता रही थी? दुष्यंत को बता रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विदूषक कौन है? अब आपसे नाटक का नाम दे दिया गया और पूछा गया है कि विदूषक कौन है। ऑप्शन ए वसंतक, बी मैत्रेय, सी माधव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी माधव्य। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक महाग्रंथ के नायक नायिका सभी को पता है कौन है? दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत कुमार के जो बेटे हैं, मतलब दुष्यंत कुमार मतलब दुष्यंत का जो बेटा है वो कौन है? भरत है। और विदूषक कौन है? माधव्य है। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर का कौन कौन सा कैरेक्टर है और उन लोगों का काम क्या है वो याद रखना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समास से है। आपको पद दे दिया गया है, उसमें पूछा है सही विग्रह क्या होगा। कंभुकंठ, कंभुकंठ समस्त पद का सही विग्रह होगा। ऑप्शन ए
कंबु कंठा यशस्सा, ऑप्शन बी कंबो कंठा, ऑप्शन सी कंबु च श्रासो कंठस्य, ऑप्शन डी कंबुरियु कंठो यशस्सा। तो कंबु कंठा का आपको सही विग्रह बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या, सही ऑप्शन क्या होगा, कंबुरियु कंठो यशस्य, संघ के समान जिसका कंठ हो उसे संघ कंठ कहते हैं। किसके समान, संघ के समान जिसका कंठ हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंबु रिव कंठो, संघ के समान जिसका कंठ हो। इस समास में विग्रह उपरांत कोई अन्य या तीसरे पद का बोध हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीही समास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की है। समाक्षर लोप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स ने, बी ब्लूमफील्ड ने, सी मैक्स मूलर ने या डी वार्नर ने। इसमें कुछ थिंकर्स एंड ऑथर्स के नाम दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि समाक्षर लोप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समाक्षर लोप या विलोपन की संकल्पना ब्लूमफील्ड ने प्रस्तुत की है, ऑप्शन बी है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्लूमफील्ड कौन था, इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। इस प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान, भाषा शास्त्री और व्याकरण ने भारतीय भाषाओं और लिपियों पर गंभीर चिंतन मनन किया है। ये जो ब्लूमफील्ड थे, इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर है इनके बारे में बहुत चिंतन किया है, मतलब बहुत एनालिसिस किया है। एनालिसिस करके इन्होंने ये बात बताया था कि समाक्षर लोप की अवधारणा इन्होंने दिया था, ठीक है। मैक्स मूलर का, इसमें मैक्स मूलर नाम भी है, तो मैक्स मूलर कब, उनका टाइम पीरियड कब था, 1784 का टाइम था, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में जब हुई थी। जबकि वार्नर का जो टाइम पीरियड दिया वो फोनेटिक्स से रिलेटेड है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कालिदास, भासर या भावी के बारे में पूछा जाएगा। उस टाइम पीरियड में जो इंग्लिश ऑथर थे या जो ब्रिटिशर्स, कोई ऐसा थिंकर्स था या कुछ चेंजेस आया था, मैं आपको पहले भी बोली कि उस समय का लिटरेचर है, साहित्य है, उस समय का आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, कौन से रूलर थे इंडिया में, किसका टाइम पीरियड चल रहा था, ये सारा चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है। आपसे फिर नीति शतक का पूछा गया है कि वो किस प्रकार के काव्य का आता है। पहला है गद्य काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी मुक्तक काव्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है सी मुक्तक काव्य। भर्तृहरिकृत ग्रंथ नीति शतक में नीति विचार संबंधी श्लोक समाहित है। इसमें जो नीति होता है, जो मतलब इथिक्स वाले श्लोक सब है, वो सारा रिलेटेड है। कई बड़े चुटीले सटीक या धारदार संदेश वाले मुक्तक हैं, उसमें हर तरीके का आपको श्लोक मिल जाएगा, मतलब कि आयरनी कॉमिकल इस टाइप का हर तरीके का मिल जाएगा। कम से कम शब्दों में व्यापक विचारों का संज्ञान कराना मुक्तक काव्य की चर्चित एवं अन्यतम विशेषता है। इसमें क्या है कि कम से कम जितना लिमिटेड वर्ड हो उसके अंदर इस चीज़ को डिफाइन करना, उसी को क्या कहा जाता है, मुक्तक काव्य का फीचर्स या कैरेक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी संजीव जनपतिम इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है। जगतपतिम किसके लिए आया है, ये जो लाइन है, कल्याणी संजीव जनपतिम इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना किसके लिए है। ऑप्शन ए राम के लिए, बी शिवजी के लिए, सी राजा के लिए या डी सीता के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि किसके लिए आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राम के लिए। कल्याणी सब जीवम जगपतिम, जगपतिम का अर्थ होता है जगपति, जो जगत के उत्पत्ति करता है उनके लिए आया है, तो ये श्री राम के लिए आया है। अतः जगपतिम में व्यंजना शब्द शक्ति लगाकर विशिष्ट अर्थ व्यक्त की गई है राम के लिए, जबकि कल्याण करने वाला
जबकि कल्याण करने वाली स्त्री सीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नल चंपू की कथा वस्तु का आधार क्या है? नल चंपू हम लोग किसको बोलते हैं और इसकी कथा वस्तु का आधार क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है शांति पर्व, ऑप्शन बी भीष्म पर्व, ऑप्शन सी वन पर्व या ऑप्शन डी सभा पर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वन पर्व। नल चंपू कथा वस्तु का आधार वन पर्व है। महापर्व जो होता है, पर्व महाकाव्य महाभारत के अध्यायों का नाम है। जो पर्व है वो किसको बोला जाता है? महाकाव्य महाभारत के अध्यायों का नाम को पर्व कहा जाता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण एवं चर्चित पर्व है वन पर्व। इस पर्व या अध्याय में जो घटनाक्रम या चरित वर्णन है उसकी संबंधता वन आरण्य से है। ठीक है, वन पर्व क्या है? जो आप वो जो अज्ञातवास जो 14 साल का जो दिया गया था उनको, उसमें से एक साल जो दिया गया था कि कहीं भी ऐसे जगह में रहना है जो कोई ढूंढ ना सके, तो वो वन पर्व वाला लाइन मतलब था। मतलब अगर वो फिर अगर कौरव पांडवों को ढूंढ लेते हैं तो फिर से क्या वो रीस्टार्ट हो जाता उनका जो 14 वर्ष वाला था। तो वो जो वन में रहना था उसको हम लोग क्या, उसको इसमें क्या कहा जाता है महाभारत में? वन पर्व कहा जाता है। इस पर्व या अध्याय में जो घटनाक्रम या चरित वर्णन उसकी संबंधता वन अरण्य से है। मतलब जंगल में रहना होता था भेष बदल कर, छिप कर, कि कोई आपको पहचान ना सके। चर्चित नलोख्यान वास्तव में त्रिविक्रम भट्ट की रचना है जिसे महाभारत के वन पर्व के आधार पर बनाकर रचा गया है। ठीक है, तो नल चंपू की कथा वस्तु का आधार क्या है? सी वन पर्व। आपको इतना जानना जरूरी है। तो जो भी रामायण महाभारत गीता उत्तर रामचरित में जितना भी वो है पार्ट आता है, कौन कौन सा स्टेज आता है उसके बारे में आपको, या फिर कौन सा महाकाव्य में क्या आएगा, खंड काव्य में क्या आएगा, प्रबंध काव्य में क्या आएगा, या नल चंपू है नल काव्य क्या, ये सबका कैरेक्टर जो विशेषण है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेदियसी का अर्थ है। आपको क्वेश्चन दिया गया, नेदियसी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अत्यंत समीप, बी नदी के तल में, सी न देने के अर्थ में, या डी इनमें से कोई नहीं। नेदियसी, तो अगर ये लग रहा है कि नदी से रिलेटेड है तो नदी के दल में होगा या न देने के अर्थ में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। नेदियसी का अर्थ होता है अत्यंत समीप, वेरी क्लोज। अत्यंत निकट और समीप समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है। तो अत्यंत का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत, और नेदियसी मतलब बहुत क्लोज, जो बहुत निकट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेदियसी। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि आप इसका लकार बताइए, वचन बताइए, पुरुष बताइए। तो आपको कोई भी वर्ड का उसका मूल धातु क्या है, अगर आप शब्द रूप आता है तो उसमें कौन सा शब्द रूप है, जैसे कोई भी एक शब्द देकर आपसे पूछा जा सकता है। चाहे ऐसा कोई भी शब्द हो, या तो वो प्रत्यय से हो सकता है, या फिर स्त्री प्रत्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, तद्धित प्रत्यय हुआ, कृतज्ञ प्रत्यय हुआ, या कारक का ही कोई सूत्र देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस विभक्ति से रिलेटेड है। तो जितना भी ग्रामर वाला जो भी पोर्शन है, मैं आपको डेली ये बात बोल रही हूँ, आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप लिटरेचर वाले पोर्शन पे फोकस नहीं कर सकते। फोकस मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे कौन सा विभक्ति लगा है, कौन सी विभक्ति से इसका मतलब क्या निकल रहा। जैसे कि अगर है महापुरुषस्य, तो ये बहुत इजी है। महापुरुषस्य मतलब षष्ठी एक बहुवचन लग रहा है या एक वचन लग रहा है, तो आपको शब्द रूप और धातु रूप क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको उस शब्द का संधि आना चाहिए। जैसे कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि संधि में कौन सी संधि हुई है, तो आपको संधि में ये स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है, ये तीन पार्ट तो ठीक है। और इसमें आपको ये भी पढ़ना है कि इन स्वर संधि का भेद कितना है। चलो पांच भेद है, पांच भेद में कौन कौन सा सूत्र है वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसी विसर्ग संधि में कौन सा सूत्र है, व्यंजन संधि में कितना सूत्र है, वो सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए कि आप शब्द देकर बता सकें कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन आपको आपको नहीं अच्छा लगता तो भी आपको ग्रामर पढ़ना ही है। उसके लिए आप कोई बुक फॉलो कीजिए,
या फिर आप अगर 6th to 10th में पढ़े हैं तो वो पुराना बुक निकाल के पढ़ सकते हैं अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो आपको ग्रामर के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका जो 300 मार्क्स का जो पेपर बनेगा उसमें आप एटलीस्ट ग्रामर से 20 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन में से 20 to 25 क्वेश्चन आपको ग्रामर से आएगा ही आएगा, और बाकी जो पोर्शन होगा वो भी इंटर रिलेटेड तो है ही ग्रामर से। अगर आपको अनसीन पैसेज मान लीजिए 15 या 10 मार्क्स का दे देता है तो अनसीन पैसेज से पूरा ग्रामर बेस्ड ही होता है ना। अगर आपको ग्रामर नहीं पता है कि पर्टिकुलर शब्द में कौन सा वचन लगा है या कौन सा पुरुष आया है या ये उभय लिंगी है या फिर कारक का कौन सा सूत्र है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जितना भी टाइम बचा है आप हो सके तो ग्रामर पे फोकस कीजिए, ग्रामर पे फोकस करेंगे तो लिटरेचर आप खुद ही समझ जाएंगे, और बाकी जो पोर्शन है संस्कृत भाषा का विकास या भाषा का उद्भव वो सब तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारित किसका पुत्र था? इसमें एक पर्सन का नाम दे दिया गया है हारित, ये पूछा गया है कि हारित किसका पुत्र था। ऑप्शन ए महर्षि अगस्त्य का, ऑप्शन बी महर्षि जाबाली का, ऑप्शन सी महर्षि श्वेत केतु का, या ऑप्शन डी महर्षि विश्वामित्र का। हारित किसका पुत्र था? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महर्षि जाबाली का। ठीक है, ऑप्शन बी महर्षि जाबाली का। महर्षि जाबाली कौन थे? ये प्राचीन भारत के ऋषि महर्षि थे। प्राचीन भारत मतलब जो ऋग्वैदिक पीरियड से पहले का जो टाइम आता उस समय की ये ऋषि महर्षि थे। हारित महर्षि जाबाली का पुत्र था। ये कादम्बरी वानभट्ट की रचना है, ये जो बुक आप पढ़ेंगे तो किसकी रचना है, वानभट्ट की रचना है। इसका वर्णन कादम्बरी के हारित वर्णम में हुआ है। इसका जो वर्णम है, इसका जो वर्णन कहाँ पे हुआ है, कादम्बरी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो हारित वर्णन है उसमें हुआ है। सरोवर से थोड़ी दूर पर तपोवन में जाबाली नामक एक महान तपस्वी मुनि का पुत्र था। मतलब जाबाली का जो पुत्र था उसका नाम हारित था। ये बुक, ये चीज़ आप किस में पढ़ेंगे, कादम्बरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये बुक लीजिए, पढ़िए, इनके बारे में जानिए। ठीक है, इनके बारे में पूरा स्टोरी दिया हुआ है तो आप वो बुक पढ़िएगा, तब आप बता सकते हैं कि कौन किसका पुत्र था, क्या था उस समय का, क्या स्टोरी था। तो इतना तो अभी इसमें मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी 40 क्वेश्चन डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट है, कैवल्य को प्राप्त करने वाला या वाली उसको क्या कहा जाता है, जो कैवल्य। अब कैवल्य का मतलब क्या होता है आपको बताना है कि कैवल्य को प्राप्त करने वाली, कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। ठीक है, या जिसको पूरा ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसमें आपको पूछा गया कैवल्य प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, ए पुरुष, बी प्रकृति, सी मन, या डी अहंकार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरुष। कैवल्य विशेषण है केवल का और या पुरुष की विशेषता का सूचक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष। कैवल्य का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। कैवल्य जैन दर्शन का शब्द है। आप दर्शन जो आपको पढ़ना है उसमें उसमें आप देखेंगे ये किसका शब्द है, जैन दर्शन का, जिसका तात्पर्य मोह माया त्याग कर सुख दुख से परे हो जाकर कैवल्य प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। बौद्ध धर्म में इसी को निर्वाण की संज्ञा की गई। जो कैवल्य जैन धर्म है, बौद्ध धर्म में वो क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर से है। आपको धातु रूप धातु दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका किस धातु का रूप है। आपका शब्द है ददामी। ददामी किस धातु का रूप है, ऑप्शन ए दद, ऑप्शन बी धा, ऑप्शन सी दा, और ऑप्शन डी द ध। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा सी दा धातु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम में किस अंक में विश्वकंभक समाप्त होता है। इसमें आपसे पूछा गया है अभिज्ञान शकुंतलम में किस अंक में विश्वकंभक समाप्त होता है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी चतुर्थ। विश्वकंभक का समापन का संबंध अभिज्ञान शकुंतलम नाट्य ग्रंथ के चौथे अंक में होता है।
और चौथा अंक वैसे भी आपको पढ़ना ही है कि अगर आप नाटक पढ़ते हैं तो नाटक में सबसे रम्य क्या है, शकुंतला। शकुंतला का जो चौथा अंक है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, अर्थात प्रसिद्ध उक्त प्रसिद्ध कालिदास नाट्य ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक विश्वकम्भक से संबंध प्रसंग की प्रियंवदा द्वारा व्यक्त की गई उक्ति नव मालिकाम सिंजति के साथ ही विश्वकम्भक की समाप्ति होती है। प्रियंवदा द्वारा कहा जाता है यहाँ पे एक लाइन और वो समाप्त होता है, ठीक है। तो आप वो सब ग्रंथ पढ़िए तब आपको पता चलेगा किसने क्या कहा है, किसके बारे में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एक लाइन देकर पूछा गया है कि ये किसने कहा है या कहाँ से लिया गया है। तो आपको जितने भी आपको साहित्य में जो भी चैप्टर दिए गए हैं, जो भी कहानी बताया गया है, जैसे पूर्व में अभिज्ञान शकुंतलम या फिर शिशुपाल वधम नैश्चर्यतम, ये सब आपको, नैश्चर्यतम तो शायद नहीं है आपका, शिशुपाल वधम है, शिवराज उदयम है, किराता जीनियम है, ये सब के बारे में आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव पुनर्भव परिगत शक्ति शक्तिरात्म भो, यह भरत वाक्य किस ग्रंथ का है। एक बार मैंने आपके एक सेट में भरत वाक्य किसको कहा जाता है ये भी डिफाइन किए की थी मैं, तो इसमें आपको बताना है कि यह भरत वाक्य किस ग्रंथ का है। ऑप्शन ए मृच्छकटिकम, बी मालविका अग्निमित्रम, सी अभिज्ञान शकुंतलम या डी उत्तर रामचरितम। तो इसमें आपको बताना है कि यह भरत वाक्य किस ग्रंथ का है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट ऑप्शन है सी अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति पृथ्वी से निर्मित सरस्वती और नील लोहित प्रतिमानों व उपमानों वाले इस प्रश्न का संस्कृत वाक्य है। जो आपको वाक्य दिया हो ना प्रवर्ता प्रकृति हिताय पार्थिव, इसका मतलब ये हुआ यह श्लोक अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ का है। कहाँ से है, अभिज्ञान शकुंतलम से। इसके रचयिता कौन है, कालिदास है, ठीक है। और जो उपरोक्त पंक्ति है ये कहाँ से ली गया, सप्तम अंक का अंतिम श्लोक है, जो सप्तम अंक है उसका अंतिम श्लोक है ये, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका ये अंतिम श्लोक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, उक्ति किस ग्रंथ के लिए उद्धृत है। इसमें आपका एक लाइन दे दिया गया है, ये पूछा गया है कि किस ग्रंथ से है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या, माघे शब्द आ गया है, तो माघ आया है तो ये क्लियर है कि ये माघ से रिलेटेड है। तो माघ का कौन सा बुक है, आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत कि माघ ने कौन सा बुक लिखा है। ऑप्शन ए है मेघदूतम, बी शिशुपाल वधम, सी कुमार संभवम या डी जानकी हरणम। तो इसमें आपको बताना है कि यह लाइन किससे उद्धृत है, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विदते। तो इसमें ऑप्शन दे दिया गया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी शिशुपाल वधम। माघ के इस काव्य में नौ सर्ग हैं, नव सर्ग गते माघे दे दिया गया, कितने सर्ग हैं, नौ सर्ग हैं। काव्य माघ के इस काव्य में नौ सर्ग को पढ़ने के उपरांत कोई नया शब्द जानने के लिए नहीं रह जाता है। अगर आप ये नौ सर्ग पढ़ लेते हैं जो माघ द्वारा रचित है तो उसके बाद आपको कोई भी नया शब्द जानने की जरूरत नहीं है, इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। उक्त पंक्तियाँ शिशुपाल वध नामक ग्रंथ से ली गई है, किससे ली गई है, शिशुपाल वध नामक ग्रंथ से ली गई है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, महाकवि माघ है, जिन्होंने मूल कथा महाभारत से सभा पर्व से ली है। ये मूल कथा कहाँ से लिया गया, जो सभा पर्व है उससे ये वाला शिशुपाल वधम लिया गया है, ठीक है। आज का ज़्यादातर क्वेश्चन लिटरेचर से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है। ऑप्शन ए मैत्रेय, बी माधव्य, सी माणवक या डी गौतम। तो इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए मैत्रेय। मृच्छकटिकम के रचनाकार महाकवि शूद्रक है। इसका मतलब क्या होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, जो मिट्टी का खिलौना बनाते हैं ना उसमें जो गाड़ी है कटिकम वो। इस ग्रंथ में जिस विदूषक का उल्लेख है वह मैत्रेय है, नायक नायिका
से सजे दरबार को मनोरंजन सम्यक रूप से जो पात्र करता उस विदूषक कहलाता है। विदूषक मीन्स जो जो कॉमिक रोल में होता है, जैसे आप मूवी देखते हैं हीरो एक्ट्रेस एक्ट्रेस के साथ एक कॉमेडियन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, विदूषक, जैसे आप कपिल शर्मा को बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए, तो ये कर्म योगी को कर्म करना चाहिए, क्यों कर्म करना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कीर्ति के लिए, बी लोक संग्रह के लिए, सी सुख के लिए, या डी स्वर्ग के लिए। मतलब कीर्ति के लिए, अपनी बड़ाई के लिए कि हाँ आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं इसलिए आपको कर्म करना चाहिए, या लोक संग्रह के लिए लोगों को बताने के लिए संग्रह करके इकट्ठा करके कि हाँ देखो देखो मैंने ये काम किया है, सी सुख के लिए अपने सुख प्राप्ति के लिए, या डी स्वर्ग के लिए, या मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे इसलिए आपको काम करना चाहिए। तो आप महाकाव्य महाभारत को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा श्लोक और बहुत सारा ऐसा पाठ है जिसको पढ़ के आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपका लाइन क्या है, कर्म योगी को कर्म करना चाहिए। तो कर्म योगी को कर्म क्यों करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए। ठीक है, विश्व का विशालतम महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख भाग है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में आपको ये लाइन मिल जाएगा, और ये किनके द्वारा कहा गया है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया गया है, मतलब इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं संप्रति ग्रंथ में कर्म की प्रधानता दी गई है, मतलब आपको कर्म करना है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि एक कर्म योगी को लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए, जो भी लोक कल्याण वेलफेयर रिलेटेड जो भी काम होते हैं, एक जो कर्म योगी है जो अपना काम करता है वो उसको किसके लिए काम करना चाहिए, जिससे लोगों का भला हो सके वैसे काम करना चाहिए, अपनी कीर्ति अपनी बढ़ाई के लिए या अपने सुख प्राप्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इन फ्यूचर या आगे के जनरेशन के लिए वो चीज़ कल्याणकारी हो, लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। गीता को आदर व सम्मान पूर्वक भगवत गीता कहते हैं, ठीक है ये सभी को पता है, क्योंकि इसमें भगवान का गीत है और श्री कृष्ण ने इस चीज़ का कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन क्या है सही है, क्या धर्म में है क्या अधर्म में, ये सारा का डिस्क्रिप्शन आपको भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है, आचार्य मम्मट के द्वारा कौन सा मान्य नहीं है। ऑप्शन ए यश, बी धनार्जन, सी प्रीति, डी व्यवहार ज्ञान। इसमें आपको बताना है कि जो आचार्य मम्मट है इनके द्वारा कौन सा मान्य नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। ऑप्शन ए क्या था, यश, बी धनार्जन, सी प्रीति, डी व्यवहार ज्ञान। देखिए सी क्यों इम्पोर्टेंट, सी आंसर इसका क्यों हो रहा है, आचार्य मम्मट प्राचीन भारतीय काव्य जगत के प्रमुख व्याकरण के ज्ञाता है, जैसे पाणिनि है उसी भामा है उसी तरह मम्मट भी है, इन्होंने भी व्याकरण की रचना की है। उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन, काव्य का जो 6 प्रयोजन मतलब उद्देश्य एम जो होता है उसके बारे में बताया है। तो काव्य आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि काव्य प्रयोजनों में आचार्य मम्मट द्वारा कौन सा पाठ मान्य नहीं है। तो जो 6 प्रयोजन है पहले उसके बारे में जान लीजिए, आपका 6 प्रयोजन क्या है, पहला है यश, दूसरा है अर्थ, सी व्यवहार, जो फोर्थ है अमंगल निवारण, 5 शब्द पुनरावृत्ति, डी प्रियतमा के समान उपदेश देना, यश कीर्ति अर्थ अभिप्राय है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, प्रीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है, काव्य में वक्रोक्ति, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा, और उक्ति मतलब जो हम लोग बात बोल रहे हैं, तो टेढ़े तो टेढ़ा टेढ़ी जो बात बोला जाता है वो उसको जैसे कि किसी को ताना मारना, ठीक है, तो वक्रोक्ति, विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है, विश्वनाथ ने किस रूप में माना है इसको। पहला ऑप्शन है आपका ए रीति, बी गुण, सी अलंकार, या डी आत्मा। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि किसको वक्रोक्ति के रूप में माना गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है, टेढ़ी उक्ति अर्थात बात विचार को
घुमा फिराकर व्यंग्यात्मक तरीके से कहा जाना या कटाक्ष जो हम लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज करना वो होता है। आचार्य काव्यों ने रीति नीति के प्रणेताओं को कहा गया आचार्य विश्वनाथ ही ऐसे ही आचार्य। उन्होंने अलंकारों की श्रेणी में वक्रोक्ति को शामिल किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने जो वक्रोक्ति श्रेणी है उसको अलंकार में शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे वाक्य रसात्मक काव्यम, उधर आचार्य कुंतक है, जो कुंतक है उन्होंने क्या कहा है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। तो आपको यही याद रखना है कि किसने वक्रोक्ति को रूप में व्यक्त किया है, तो वो क्या है अलंकार है। नेक्स्ट है आपका रस से क्वेश्चन है आपका श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं। 9 रस में आपको उसका व्यंजना, उसका कलर, उसका स्थाई भाव, ये सारा चीज ध्यान में रखना है। ऑप्शन है आपका ए शोक, बी रति, सी हास या डी उत्साह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी रति। हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है, 9 है। इसमें श्रृंगार रस क्या होते हैं, प्रमुख है। श्रृंगार का संबंध कामा भाव रति भाव से है, या आपने अगर कालिदास को पढ़ा तो उनका क्या किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है उनके लिटरेचर में आपको अच्छे से पता होगा कि वह श्रृंगार रस के कवि हैं। वो नायिका नायक के पूरा नायिका के बारे में सजीव चित्रण करते हैं। या आप कुमार संभवम पढ़िए या अभिज्ञान शकुंतलम पढ़िए, उनके जितने भी नाटक ग्रंथ महाकाव्य खंड काम मिलेंगे उनमें उन्होंने नायिका का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। चाहे वो नायिका में पार्वती माता हो या शकुंतला हो, सबके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है। ठीक है, इसमें वर्णन का रस पनपने व अपने रति भाव को श्रृंगार भाव का, श्रृंगार भाव के कौन कौन सा पक्ष होता है, इसके पक्ष हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिम्पति तमोग्नि वर्षतिनि व्यंजन नभा में अलंकार। आपको लाइन दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, अप्रयति, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या डी संदेह। तो इसमें आप अलंकार बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों होता है, प्राकृतिक समता समानता उपमा के साथ संभावना व्यक्त करना उत्प्रेक्षा कहा जाता है। इसमें आपका क्या किया जा रहा है, अंधकार व अंधेरे में नभ मार्ग वर्षा की संभावना लेकर आए हैं, तो इसमें उपमा का ये आया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वह अलंकार कौन सा है। नेक्स्ट आपका सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जहाँ उपमा उपमेय का भाव होता है तो उसमें कौन सा अलंकार लगता है, ऑप्शन ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक या डी निदर्शना। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन देना, आपको पहले क्वेश्चन में आप ये सुन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शरीरम तवादिष्ट अर्थवैन चिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है। आपको एक लाइन दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया है कि यह परिभाषा किसका है, ऑप्शन ए दंडी, भी भाम, सी मम्मट या डी आनंदवर्धन। तो यह विचार किसका है, आचार्य दंडी का है। दंडी एक महाकवि होने के साथ साथ समीक्षक और आचार्य भी थे, ये क्रिटिकली एनालाइज भी करते थे और एक महाकवि भी थे। इन्होंने काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है शरीरम तवादिष्टम वंचना पदावली। उनके काव्य ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, उसमें उन्होंने वाक्य लिया गया है और उस वाक्य का अर्थ क्या है, काव्य रूपी शरीर की शोभा, मतलब जो काव्य रूपी शरीर है उसकी शोभा, अर्थ या शब्दार्थ या उसका विशिष्ट अर्थ है। शब्दों का अर्थ से अविच्छिन्न संबंध होता है, ऐसे सार्थक पदावलियों से युक्त ही काव्य की वरेण्य है। मतलब कहा गया कि शब्दों का जो है अर्थ का अच्छा मतलब होता है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वेता स्वाभिध धासु यथार्थो बोध्यते परह्य, किस वृत्ति का लक्षण है। वेतार स्वाभि धासु यथार्थ बोध्यते परह्य, किस वृत्ति का लक्षण है, ए तात्पर्य, बी अभिदा, सी लक्षणा, डी व्यंजना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा लक्षण है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का डी व्यंजना। ठीक है, अब आपको व्यंजना क्या है तो ये आप जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, जो काव्य और जो इसके क्या क्या प्रयोजन होता है, प्रबंध काय क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ उसमें क्या होता है, प्रस्तुत वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति काल क्षण व्यक्त किया गया है। ठीक है, शक्ति का काल क्षण, ऐसे अभिव्यक्ति विशिष्ट होती है क्योंकि वी और अंजन मिलकर क्या बन जाता है, व्यंजना का तात्पर्य है। वी का अर्थ होता है विशेष और विशिष्ट, और अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये तीनों शब्द शक्तियां, ये सब क्या है, शब्द शक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध में सर्गों की कुल संख्या क्या है। शिशुपाल वध में जो सर्ग होते हैं कितने सर्ग हैं, ए 19, बी 20, सी 18 या डी 17। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपको फैक्ट के रूप में सबको याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यह भी शिशुपाल वध से ही है। शिशुपाल वधन की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व में वर्णित है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, शिशुपाल वधन की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व में वर्णित है, ए सभा पर्व, बी वन पर्व, सी आदि पर्व या डी विराट पर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सभा पर्व। सभा पर्व में मतलब जहाँ पे महाकाव्य महाभारत अध्याय पर्व कहलाते हैं, शिशुपाल वध की कथा वस्तु महाभारत के सभा पर्व से ली गई। सभा पर्व में आप क्या देखेंगे, सभा में कृष्ण, अर्जुन, शिशुपाल, भीष्म आदि विराजमान है। भरी सभा में शिशुपाल ने कृष्ण सहित भीष्म को अपशब्द कहा था, जिसके द्वारा अंततः उठकर कृष्ण ने शिशुपाल का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। नाम ही है शिशुपाल वध। नेक्स्ट भी फिर आपका शिशुपाल वध से ही क्वेश्चन है, शिशुपाल वध में प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है। शिशुपाल वध का जो पहला सर्ग है उसमें कितना श्लोक है, ए 70, बी 60, सी 75 या डी 50। तो आपको नंबर ऑफ श्लोक भी याद रखने ही कि कितने श्लोक है, तो इसमें कितना है, सी 75। शिशुपाल वध के अध्याय को स्वर्ग कहा गया है, सर्ग प्रथम सर्ग यानी प्रथम अध्याय में कुल कितने हैं, 75 है। अब आप पर सब सर्ग पढ़िए, सब सर्ग में कितने श्लोक हैं, श्लोक का अर्थ निकालिए, तो आपके इसके लिए पूरा महाभारत पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, भगिनी में किस प्रत्यय के योग से भागने पद बनता है। शब्द आपका दे दिया कि भागने में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भगिनी बनेगा। ठीक है, भगिनी में किस प्रत्यय, भगिनी में आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो भगिने पद बनता है। ठीक है, पहला है ऑप्शन अण, बी यत, सी ढक, डी अक्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ढक। भगिनी में ढक प्रत्यय के योग से भागिने बनेगा। उसी तरीके जैसे गर्ग में य जोड़ेंगे तो गार्ग्य बनेगा। तो आपको जितना भी प्रत्यय उपसर्ग है वो आप उसका याद रखिए, मूल धातु क्या लग रहा है, प्रत्यय बनने के बाद उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका सूत्र आप याद रखिएगा तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सताम सदबी संग कथम अपि ही पुण्येन भवति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, आपको सीधे सीधे इसका ट्रांसलेशन भी, अनुवाद भी पूछा जा सकता है, लाइन देकर पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है, सज्जनों का सत्य के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। ऑप्शन बी, सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। ऑप्शन सी, सत्य का सज्जनों से मिलन पुण्यकारी है। ऑप्शन डी, सज्जनों का दुर्जनों से मिलन पुण्यकारी नहीं है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या है, सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। मतलब एक जैसे लोग बहुत ही पुण्य से मिल पाते हैं, मतलब जिन लोगों का कैरेक्टर फीचर एक जैसा होता है, थिंकिंग जिनका सेम होता है, तो वैसे बड़े पुण्य से ही मिलते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायधारा ही साधव का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, न्याय की धारा अच्छी होती है। ऑप्शन बी, न्याय की धारा साधनों की धारा है। ऑप्शन सी, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। ऑप्शन डी, सज्जन न्याय मार्ग का परित्याग करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी, न्याय धारा ही साधव
का अर्थ साधु लोग न्याय का मार्ग वाली का धारण का अनुसरण करते हैं, जो ऑप्शन आपका सी है वो लगाना है। सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, जो सज्जन होते हैं वो हमेशा जो सही होता है उसी का आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट आपका फिर पूछा गया है कि यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है। न बदते अस्य त्रिगण परस्परम उक्ति सूत्र कहाँ से है। ए मृच्छकटिकम, बी किरातार्जुनीयम, सी अभिज्ञान शकुंतलम या डी नीति शतकम। आपको एक लाइन दे दिया गया और पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये सूक्ति कहाँ से लिया गया है, बी किरातार्जुनीयम से लिया गया है। इसमें तीनों गुण के अनुराग के कारण मित्रवत समान परस्पर कभी एक दूसरे को बांधते नहीं है। यह कथन दुर्योधन ने किससे कहा है, यह कथन दुर्योधन के संदर्भ में कालिदास ने कहा है। यह दुर्योधन के लिए कालिदास ने कहा है। यहाँ त्रिगुण का संदर्भ है पुरुषों के तीनों गुण, त्रिगुण लाइन है आपका इसमें। तो ये किसके लिए है, पुरुष के जो तीन गुण होते हैं धर्म अर्थ और काम, ये तीनों गुण दुर्योधन जैसे पुरुष को कभी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। इसमें आपके चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, उसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। सूर्य अस्ते गते गोपा गृहम अगच्छन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य अस्ते गते गोपा गृहम अगच्छन। दूसरा है सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन। तीसरा है सूर्यास्त गते गते गोपा गृहम अगच्छन। और लास्ट है सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, ऑप्शन बी सही है, सूर्य के अस्त होने के बाद जो गोपा है वो अपने घर को गए आ गए। तो सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या चिंता यामी सतम मई सा विरक्तया पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। लास्ट क्वेश्चन आपका, लाइन दे दिया गया, पूछा गया कि यह किस पंक्ति से किस से लिया गया है। ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी मेघदूतम, सी उत्तन रामचरितम या डी नीति शतकम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नीति शतकम। ठीक है, तो आप ये 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है वो देखिए, और इस चीज़ को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।